हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भुवनेश फ्रॉम माय मैथ्स ट्यूटोरियल। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन योर वेरिएबल इज टेंडिंग टू जीरो एंड व्हेन योर वेरिएबल इज टेंडिंग टू नंबर अदर देन जीरो। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, विच इज ट्यूटोरियल नंबर 5। दिस इज द लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी विल सी इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास कुछ लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, राइट। तो अभी इसका प्रूफ हम फिर देखेंगे सम अदर वीडियो में, लेकिन अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए यहां पे एक्स इज टेंडिंग टू जीरो है, ओके, और ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, तो यहां पे जो ए रेज टू पावर एक्स है वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर वहां पे आपके पास 2x होगा तो नीचे आपके पास 2x ही चाहिए, या फिर आपको बनाना पड़ेगा उसको 2x टू मेक इट स्टैंडर्ड रिजल्ट विच विल गिव मी लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, राइट। चलिए, दिस इज नंबर 1। सेकंड पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब देखिए मैंने यहाँ पे ए की जगह ई रख दिया, सिंपल, राइट। सो मेरा एक्सप्रेशन बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब मेरे पास यहाँ पे था लॉग ऑफ ए टू दी बेस सी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ई टू दी बेस सी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो दिस इज माई सेकेंड स्टैंडर्ड इवेल्युएशन ऑफ लिमिट रिजल्ट। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x divided by x, this is equal to 1। तो ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रख लीजिए, इससे आप एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इन तीन को यू नीड टू जस्ट, तीन भी नहीं, आप ये दो याद रख लीजिए। फर्स्ट तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ये आप ड्राइव कर सकते हो, सिंपल ए को ई रखा तो दिस विल गिव यू 1। और इसको आप याद कर लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 1। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेज टू पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इस फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका a रेज टू पावर 3x है, तो मैंने आपको बताया जो मेरे पास यहाँ पे होगा वही मेरे पास नीचे होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई राइट दिस a रेज टू पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x, राइट। और 3 से मैंने देखो यहाँ पे डिवाइड किया इस फंक्शन को, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई 3। अब दिस विल गिव मी स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाय 3x, सो आई कैन राइट दिस log ऑफ a टू द बेस e इनटू 3 जो मैंने मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर इज 3 इनटू log ऑफ a टू द बेस e, राइट। Let's see this limit x tends to 0 ax minus bx divided by x। अब देखिए ये इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ limit x tends to 0 ax minus 1 minus bx minus 1 divided by x। देखिए मैंने 1 यहाँ पे पहले subtract किया फिर 1 add कर दिया टू मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म, ताकि मेरे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए। सो दिस आई कैन राइट
limit x tends to 0, ax minus 1 divided by x minus bx minus 1 divided by x. ठीक है जी, x को मैंने जस्ट सेपरेट कर लिया. अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. आई नो दिस इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e माइनस बी एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स log ऑफ b टू द बेस e. सो दिस विल गिव मी log ऑफ a बाय b. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टू रेज टू पावर x माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन. अब देखिए, पहले तो आप x को जीरो रख के देख लीजिए. सो टू रेज टू पावर जीरो माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई वन प्लस जीरो माइनस वन जीरो बाय जीरो फॉर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट तो मेरे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में मेरे पास है स्केयर रूट टर्म. तो फर्स्ट तो मेरे को इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि जीरो बाय जीरो फॉर्म एलिमिनेट हो जाए. सो आई कैन राइट दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट की टर्म होती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एंड जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती होती है. तो मैं उसको रैशनलाइज करता हूँ जो हमने रैशनलाइज मेथड में भी देखा. चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए. लिमिट x टेंड्स टू जीरो आई कैन राइट दिस टू रेज टू पावर x माइनस वन इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर. सो आई कैन राइट दिस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू रेज टू पावर x माइनस वन इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स रूट का स्केयर वन प्लस एक्स माइनस वन. तो वन वुड बी कैंसल आउट, आई विल बी लेफ्ट विद x. ठीक है जी. सो अब देखिए, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय x. ये x में इसके साथ लिख सकता हूँ इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है जी. अब देखिए, ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया. लिमिट x टेंड्स टू जीरो ax माइनस वन बाई एक्स फॉर्म है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ टू टू दी बेस सी. और यहाँ पे x को रखिए जीरो. So you will get root of 1 plus 0 plus 1. So this will give me 1 plus 1, 2. So I can write this 2 log 2 is my answer. Right. Let's see this question. Limit x tending to 0 a raised to power sin x minus 1 by sin x. Ab dekhe yahan pe mere paas sin x hai. To आप x टेंड कर रहे हैं जीरो पे. तो अगर मैं साइन x को y पुट करता हूं तो मेरे पास क्या फंक्शन बन जाएगा. सो आई कैन राइट दिस a रेज टू पावर y माइनस वन डिवाइड बाई वाई. एंड अब देखिए, यहां पे x टेंड्स टू जीरो है. तो अगर मेरा x इज टेंडिंग टू जीरो आई कैन से दैट साइन x विल ऑल्सो टेंड टू जीरो. Right. So this means that y will tend to 0. So I can write here limit y tends to 0 now. और y को मैंने क्या रखा है sin x. ठीक है जी. अब ये फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है. So you can directly write the result which is equal to log of a to the base e. Right. तो यहां पे आपके पास ये फॉर्म दी हुई है. जैसे यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स था तो सिंपल उसको आप सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो. राइट, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. चलिए लेट्स सी दिस
question, limit x tending to 0, e raised to power x minus e raised to power minus x by x. अब देखिए, मेरे पास जो standard result बन सकता है इस form को लेके e raised to power x minus 1 by x का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, limit x tends to 0, e raised to power x minus e raised to power minus x divide by x. अभी मैंने just थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया, अभी मैं उसको उस फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए माइनस वन, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन बनाने के लिए. तो मैंने यहाँ पे माइनस वन से सब्ट्रैक्ट किया एंड यहाँ पे मैं एक बार इसको ऐड करता हूँ. अब देखिए, माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा. अब देखिए, इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस लिमिट x tends to 0 e raised to power minus x minus 1 by x. अब देखिए, ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपल आप लिख सकते हो 1 minus लिमिट x tends to 0 e raised to power minus x minus 1 divided by x. अब देखिए, यहाँ पे आपके पास minus x है, तो आपको यहाँ पे भी minus x चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे माइनस एक्स लगा रहे हो, यू विल ऑल्सो मल्टीप्लाई इट विद माइनस वन, ठीक है जी. सो दिस विल गिव मी वन माइनस, नाउ आई कैन राइट दिस एज वन इन टू माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू, राइट. तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म हो, जस्ट थिंक कि आप किस फॉर्म में उसको बना सकते हो और कैसे बनाओगे. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Limit x tends to 0, sorry, this is x tends to e, log of x minus 1 divided by x minus e. अब देखिए, यहाँ पे आपका x tend कर रहा है e पे, तो simple first तो जो हम जैसे करते हैं, अगर हमारा variable tend करता है other than 0 पे, x को रखिए e plus h and your h will tend to 0. तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ limit h tends to 0 log of e plus h minus 1 divide by e plus h minus e, ठीक है जी. x को सिंपल रखा मैंने e plus h, तो this e will be cancel, so I'll get limit h tends to 0 log of e plus h minus 1 divide by h. अब ये 1 को मैं लिख सकता हूँ log of e, so I'll write limit h tends to 0 log of e plus h minus log of e divide by h. आपको पता है log of e plus h minus log e, log of a minus log of b is equal to log of a by b. So simply I can rewrite this limit h tends to 0 log of e plus h divide by e and this all divided by h. This is equal to limit h tends to 0 log of 1 plus h by e divided by h. अब देखिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो आप. लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x divided by x. लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जो x है, वेरिएबल है, वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे मेरे पास है h by e, तो मेरे को यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा h by e. और अगर मैं यहाँ पे e से डिवाइड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो एक बार मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है जी. नाउ अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड रिजल्ट. सो आई कैन राइट दिस लिमिट h tends to 0 log of 1 plus h by e divide by h by e into 1 by e. ये मेरे को पता है 1, so I can write this 1 into 1 by e which will give me 1 by e as my answer, right. तो यहाँ पे x was tending to e, हमने x को रखा e plus h पहले. Let's see next. So let's see this question. Limit x tending to 0, x minus 2 divided by log of x minus 1 to the base a. Right? अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास logarithmic
फंक्शन है इन डिनोमिनेटर। तो अगर आप देखे इसको, आप ये log of 1 plus x by x की फॉर्म में बना सकते हैं टू इवेल्युएट द लिमिट। बट एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास log of x minus 1 to the base a है, जो मेरे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड उसमें मेरे पास नेचुरल log है, राइट, log to the base e। लेकिन यहाँ पे मेरे पास log to the base a है, तो फर्स्ट तो आप इसको नेचुरल log बनाइए ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सके, राइट। तो चलिए इसको नेचुरल फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 डिवाइड बाय log ऑफ x माइनस 1 टू दी बेस e इनटू log ऑफ e टू दी बेस a। ठीक है जी, लिख सकता हूं मैं इसको यूजिंग माय लॉगरिथमिक फंक्शन प्रॉपर्टीज। चलिए अब देखिए, यहां पे आपका x टेंड कर रहा है 2 पे, राइट right? और जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसमें x इज टेंडिंग टू 0 एंड देयर इज ए नेचुरल log इन दैट फंक्शन। तो आप देखिए, तो my x इज टेंडिंग टू 2, मैंने आपको बताया जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपका वेरिएबल टेंड करता है नंबर अदर देन 0 पे तो हम उसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस h हियर, राइट, एंड my h विल टेंड टू 0 देन। चलिए अब क्या बन गया मेरा फंक्शन, इट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0, x को मैं रखता हूँ 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइड बाय log of 2 plus h minus 1 to the base e into log of e to the base a। ठीक है जी, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइड बाय log of 1 plus h to the base e into log of e to the base a, राइट right? अब देखिए ये h को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, आई कैन राइट दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाय log of 1 plus h टू दी बेस e डिवाइड बाय h इनटू log of e टू दी बेस a। अब तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 log of 1 plus h बाय h, और नेचुरल log भी है मेरे पास, सो आई कैन राइट दिस वन, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो गई है, 1 इनटू 1 बाय log of e टू दी बेस a। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय log of e टू दी बेस a, और आई कैन से दिस इज इक्वल टू log of a टू दी बेस e। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इस बात का, अगर बेस अलग है लॉगरिथमिक फंक्शन का तो हमें उसको फर्स्ट कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉगरिथमिक बेस में, देन वी कैन अप्लाई दिस स्टैंडर्ड वैल्यूएशन लिमिट फॉर्मूला, राइट। चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन, हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 3 प्लस x माइनस sin x माइनस e रेज़ टू 3 डिवाइड बाय x। अब देखिए मेरे पास फंक्शन में एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, राइट, तो पहले तो इसको आप e raised to power 3 plus x है, और जो e raised to 3 है उसको एक तरफ कर लीजिए, so I can write this limit x tends to 0 e raised to power 3 plus x minus e raised to power 3 divide by x, और minus I can write this limit x tends to 0 sin x by x using my algebra of limit। ठीक है जी, तो मैंने इस फंक्शन को दो में ब्रेक कर लिया। अब देखिए मेरे को चाहिए e raised to power x minus 1 by x की फॉर्म ताकि मैं अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकूं। अब देखिए इसको बनाने के लिए लिमिट x tends to 0 आई कैन टेक कॉमन e raised to power 3, तो अंदर मेरे पास बचेगा e raised to power x minus 1 डिवाइड बाय x माइनस लिमिट x tends to 0 sin x by x। चलिए अब मेरे पास e raised to power x minus x आ गए, ये फॉर्म क्रिएट हो गई है, so this is equal to log of e to the base e which is equal to 1, so I can write this e3 into 1,
माइनस, ये भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूएशन में आप देख चुके हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1. So this will give me e raised to power 3 minus 1, my answer. ठीक है जी. तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो जस्ट एक्सपोनेंशियल को पहले साइड पे कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइड में करके आप उसको यूज कर सकते हैं एंड इवेल्युएट, यू कैन इवेल्युएट द लिमिट. लेट्स सी नेक्स्ट. चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लिमिट x टेंडिंग टू 0 x * 2 रेस्ट टू पावर x - 1 डिवाइड बाय 1 - cos x. अब देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास x * 2 रेस्ट टू पावर x - 1 है, मींस मेरे पास a रेस्ट टू पावर x - 1 की टर्म है एंड आई कैन मेक दिस टर्म एज स्टैंडर्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय x. चलिए तो पहले तो आप देखिए आपके पास 1 माइनस कोस एक्स भी है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू 2 रेस टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2. ठीक है जी, 1 माइनस कोस एक्स को मैंने लिख लिया 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2. अब देखिए तो दिस इज 2 रेस टू पावर एक्स माइनस 1, तो चलिए इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और ये वाला x यू कैन राइट इट हियर. ठीक है जी. अब देखिए यहां पे मेरे को चाहिए एक x टू मेक इट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आई जस्ट डिवाइड इट विद 1 x here and multiply with 1x here, right? चलिए अब ये तो मेरे पास standard form create हो गई है, standard result I can write this. So this would be log of 2 to the base e into limit x tends to 0 x square divide by 2 sin square x by 2. ठीक है जी. चलिए अब देखिए यहां पे मेरे पास है साइन स्केयर एक्स बाय 2, तो मेरे को यहां पे चाहिए एक एक्स स्केयर बाय 4 टू मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये वाला जो एक्स है मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूं यहां पे, सो आई कैन राइट दिस लॉग ऑफ 2 टू द बेस e इनटू लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 बाय 2 sin square x by 2 divide by x square. ठीक है जी. लेकिन मेरे को चाहिए एक 4 to make it x by 2 का square, तो मैंने 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, I'll multiply with here 4. ठीक है जी. So अब देखिए ये मेरे पास standard create हो गया sin x by 2 by x by 2 का whole square which is equal to 1. So I can write this log of 2 to the base e into 1 by 2 into 1 by 1, और ये 4 को मैं ऊपर लेके आता हूँ, it would be 4 here. So this will give me 2 log of 2 to the base e, right? ठीक है जी. Let's see this question. Limit x tending to pi by 2 here. तो पाई बाय 2 पे टेंड कर रहा है x, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा x को पाई बाय 2 प्लस h रखते हुए, वेयर माय h विल टेंड टू 0. ठीक है जी. तो क्या बनता है हमारा फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रेज टू पावर माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाय पाई बाय 2 प्लस h इनटू पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2. ठीक है जी. सिंपल मैंने एक्स को रखा पाई बाय 2 प्लस एच. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वुड बी लिमिट एच टेंड टू 0 कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो माइनस कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एच. सो दिस वुड बी 2 रेज टू पावर साइन ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाय पाई बाय 2 प्लस एच. दिस पाई बाय 2 विल कैंसिल हियर इनटू एच. ठीक है जी. अब देखिए तो यहां पे मेरे पास
टू रेस टू पावर साइन एच माइनस वन है, तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूँ, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में चाहिए साइन एच, तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड टू जीरो टू रेस टू पावर साइन एच माइनस वन, साइन एच से मैंने डिवाइड किया और यहां पे मल्टीप्लाई किया साइन एच से, और यहां पे मेरे पास ऑलरेडी जो है वो है पाई बाय टू प्लस एच इंटू एच, ठीक है जी। अब देखिए जब मेरा एच टेंड कर रहा है जीरो पे, मींस साइन एच विल आल्सो टेंड टू जीरो, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो गई है टू रेस टू पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू लॉग ऑफ टू टू दी बेस ई, अब इनटू यहां पे आइए, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाय एच इनटू वन बाय पाई बाय टू प्लस एच, ठीक है जी। ये भी मेरे को पता है लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाय एच इज इक्वल टू वन, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू टू दी बेस ई इंटू वन इंटू पाई बाय टू वन बाय पाई बाय टू प्लस एच, तो एच को जीरो रखेंगे दिस विल गिव मी पाई बाय टू हेयर, ठीक है जी। सो दिस विल गिव मी टू बाय पाई लॉग ऑफ टू टू दी बेस ई, राइट। सो दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स दिस वाज ट्यूटोरियल नंबर 5, यहाँ पे हमने देखा इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए बोर्ड पे, एंड आई एम श्योर कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे इस ट्यूटोरियल की हेल्प से, और इसके साथ ही वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर लिमिट्स। सो फ्रेंड्स ट्यूटोरियल नंबर 1 से ट्यूटोरियल नंबर 5 पे हमने पूरे लिमिट्स के चैप्टर को कवर किया, और साथ साथ में मैंने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई सेक्शन में आपको लगता है कि आपको फिर से एलेबोरेट करना है, प्लीज राइट टू मी, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। यू कैन डायरेक्टली विजिट टू माई वेबसाइट एंड सबमिट द क्वेरी देयर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।